मुझे प्राइज बांड के बारे में तफसीली इल्म ही नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ। आप वहाँ किसी आलिम से पूछ लें कि प्राइज बांड के एक तो उसके अहकाम क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, फिर वो फतवा देंगे आपको। चार बहन भाई हैं, रिश्ते आते हैं, बात नहीं बनती, आपसे तो रहमान सब पढ़ के दुआ करते रहें, बाकी अल्लाह के हाथ में है, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। एक हिंदू लड़के से हमारे ताल्लुकात हैं, उसका बाप मर गया, हम गम में शरीक हो सकते हैं, हम शायर समझ कर जा सकते हैं, बाकी सलाम दुआ नहीं कर सकते मफरत की। अगर किसी औरत ने खयानत की और उसने जिना किया है तो अब खामद क्या करे, या वो तौबा करे, तौबा नहीं करता तलाक दे दे, बाकी उसको मारने का हुक्म शरीयत में हाकिम को है, तुम्हें नहीं है। मैंने जिना छोड़ने के लिए नियत की, 1000 नफिल भी पढ़ी, तौबा भी की, लेकिन मुझसे फिर जिना हो जाता है। बहरहाल फिर तौबा करें, अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जब तक अपना माहौल नहीं बदलोगे कोई फायदा नहीं होगा। तौबा भी करते रहो और तुम्हारी रातें जो हैं वो भी हीरा मंडियों में गुजरें, तो फिर तौबा कैसे कायम रह सकती है। तौबा करो, फिर अल्लाह वालों की सोहबत में रहो। आजकल बेहतर यह है कि तबलीग वालों के साथ निकल जाओ 4 महीने के लिए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी, बाकी अल्लाह के इल्म में।